नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फैसले पर सुनवाई टल गई है। इस मामले को लेकर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट से फैसला आना था, लेकिन फैसला एक बार फिर टल गया है, सुनवाई टल गई है, जिसकी वजह से फैसला नहीं आ सका है। और दरअसल इस मामले को लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट पहले ही आरोप तय कर चुका है और अब बारी फैसले की है। चूंकि सुनवाई टली है और अब 20 जनवरी को फैसला आएगा। 20 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे फैसले का वक्त मुकर्रर किया गया है और सभी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में आपको बता दें कि ब्रजेश ठाकुर सहित कुल 21 आरोपियों को शेल्टर होम में रह रहे बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है और पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में इनके खिलाफ कोर्ट आरोप तय कर चुका है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर। और इस मामले में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में यह मामला ट्रांसफर हुआ था। दिल्ली के साकेत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और इससे पहले भी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। खबर थी कि आज कोर्ट इस मामले में बड़ा फैसला सुना सकता है, लेकिन अब जानकारी आ गई है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 20 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे कोर्ट बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड पर अपना फैसला सुनाएगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।